Good morning all of you. Welcome to e-classes. Today's topic is question answers method. Now we have already done about the demonstration method, textbook method, lecture method. Today we are going to discuss about question answering method. Now this is one, this is the type of method where teacher uses it to interact with the students. It's a very important method by which a teacher can discuss or interact with the students or can take the ideas from the students, whatever they have learned or they are knowing, their previous knowledge and their whatever they have knowledge they can share with the teachers. So let's start with our class today. Question answer method. The Greek philosopher sources it is the exponent of this method. Now the Greek philosopher Saussure is the exponent of this method. That means Saussure जो थे वो एक philosopher थे जो इस method को question answer method को बहुत ज़्यादा मानते थे या फिर उसको support करते थे. He believed that knowledge existed in the spirit of humans. उनका मानना था या उनका belief था कि जो knowledge होता है वो जो human being है उसके अंदर पहले से ही रहता है, एग्जिस्ट करता है, उनके अंदर में ही रहता है. ही गेट्स इट आउट ऑफ क्वेश्चन. वो जो नॉलेज है उसको बाहर कैसे लाएंगे, उसको थ्रू क्वेश्चन आंसर ही बाहर लाया जा सकता है. सो जो नॉलेज उनके अंदर में पहले से है उसको बाहर निकालने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर मेथड की जरूरत पड़ता है. टीचर ऑल्सो गिव्स देम न्यू नॉलेज थ्रू दिस क्वेश्चन. नाउ टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछने के बाद जो आंसर मिलता है उसके उसको जोड़ते हुए न्यू नॉलेज उसको प्रदान करता है, बच्चे को प्रदान करता है, स्टूडेंट को प्रदान करता है, ताकि वो जो उसके पास जो नॉलेज है उसको साथ में लेते हुए वो नया नॉलेज को गेन कर सके. उसके लिए क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ करते हैं. Questioning increases curiosity of people on one hand and other, their comprehension power on the other. That means कि जो queries है, questioning है, वो क्या करता है, बच्चों के अंदर जो curiosity है, जो उनके अंदर जिज्ञासा है उसको बाहर निकालती है और साथ ही साथ उनके comprehensive power को भी बढ़ाती है. That means कि question answers method जो है वो एक तरीके से बच्चों का जो अंदर में क्वालिटीज़ है, क्वेरीज है, उसको शांत करती है, साथ ही साथ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव पावर को भी जनरेट करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज टीचर एंड डिसिपल बोथ लर्न फ्रॉम इट. नाउ टीचर एंड डिसिपल, टीचर जो है वो सीखता तो है ही, साथ ही साथ उसका जो शिष्य है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो भी न्यू चीज़ों को जानते हैं. टीचर जब तक उसे पढ़ेगा नहीं या फिर पढ़ेगी नहीं और जाके बच्चों के सामने क्वेश्चनिंग करेंगे तो डेफिनेटली अगर आंसर नहीं आता है तो टीचर उसे सॉल्व करेंगी, उसे आंसर देंगी और उससे क्या होगा, जो न्यू नॉलेज है वो टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स भी जानेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चनिंग ऑल्सो हेल्प द टीचर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास. नाउ क्वेश्चनिंग मेथड से क्या होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने में टीचर को सुविधा होती है. उससे क्या होता है कि क्वेश्चनिंग जब करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे जो है इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, टीचर से. एंड व्हाइल दिस क्वेश्चन आंसरिंग मेथड क्या होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन रहता है क्लास में, बिकॉज टीचर जो है अगर क्वेश्चनिंग कर रहा है तो डेफिनेटली अगर बच्चे बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली वो आंसर नहीं दे पाएंगे. तो इस वजह से क्या होता है कि डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, डिसिप्लिन क्लासरूम के अंदर अच्छी तरीके से काम करता है. नेक्स्ट है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल मेथड ऑफ लर्निंग विद इंटरैक्शन. ये क्या है, एक नेचुरल मेथड है बाय विच अ स्टूडेंट कैन लर्न बाय इंटरैक्टिंग विद द टीचर्स एंड अदर्स. इससे क्या होता है कि बच्चे की जो इंटरैक्शन पावर होती है वो बढ़ती है. So the children, those who are having that shyness or या फिर उनको टीचर के सामने बात करने में तकलीफ होती है
या फिर वो डरते हैं। सो ये जो क्वेश्चन आंसरिंग मेथड है, बाय दिस मेथड बच्चे जो है वो इंटरैक्ट करेंगे और सीखेंगे भी। साथ ही साथ ये जितने भी ये जो मेथड है क्वेश्चन आंसरिंग मेथड, ये नेचुरल वे है इंटरैक्शन सीखने की। सो टुडेज पॉइंट, द ग्रीक फिलोसोफर सोसर इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस मेथड। ही बिलीव्स दैट नॉलेज एक्सिस्टेड इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन। ही गेट्स इनटू आउट ऑफ क्वेश्चनिंग। टीचर आल्सो गिव्स देम न्यू नॉलेज थ्रू दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, क्वेश्चनिंग इंक्रीजेस क्यूरियोसिटी ऑफ पीपल ऑन वन हैंड एंड देयर कॉम्प्रिहेंसिव पावर ऑन द अदर हैंड। नेक्स्ट, टीचर एंड डिसिप्लिन बोथ लर्न फ्रॉम इट। नेक्स्ट, क्वेश्चनिंग आल्सो हेल्प द टीचर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। It is one of the most natural method of learning with interaction. So we have discussed all the points of question answer method, so that the interaction between the teacher and the students is done, and the students, those who are unable to speak in front of public or teacher, they can speak it very well. So I think today's the points whichever we have discussed, it's very clear to all of you. If you are having any doubts, can ask me in the class, and surely I'll explain it and make it clear. Thank you.